धनबाद में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज और स्टैंड अप इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में स्वावलंबन संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में डिक्की और स्टैंड अप इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जिले के एससी एसटी वर्ग के दर्जनों लोग शामिल हुए। वहीं डिक्की के प्रतिनिधि ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि एससी एसटी वर्ग के लोगों को जागरूक जानकारी देना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाओं के तहत अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बैंक से लोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसमें सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए लोगों को जानकारी दिया जा रहा कि वे सभी कौन से प्रोजेक्ट बनाए, कैसी बिजनेस को करें, चाहे वह कृषि के उद्योग मैन्युफैक्चरिंग हो या अन्य उद्योग, उसमें क्या सपोर्ट सरकार से मिल रही है, इसकी जानकारी देना है उद्देश्य है। कार्यक्रम है धनबाद में, ये प्रथम बार हो रहा है। ये समझ लीजिए कि जो दमी जो उद्योग लगाना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं या 4% जिसके शेड्यूल कास्ट एससी एसटी के लिए कुछ ऐसे सीट भी रहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी जो 4% मान के चलिए कुछ का रिजर्व रहता है। जैसे इंडियन ऑयल में अगर टैंकर की व्यवस्था हो तो वहाँ क्या है कि अब शेड्यूल कास्ट का भी एक प्रपोजल है वहाँ कि चार, जैसे अब 10 लाख गाड़ी का मान ली देना हो, जनरल लोगों के लिए 10 लाख जमा करना पड़ेगा तब जाके कहीं वो फाइनेंस होगा, और शेड्यूल कास्ट के लोगों को 1 लाख रुपया के साथ डिक्की के सौजन्य से वहाँ 1 लाख में फाइनेंस भी हो गया और 5 साल के लिए वो किसी को पैरवी करने की भी आवश्यकता नहीं है और वहाँ लग गया। इसी तरह छोटा छोटा उद्योग के लिए भी जो फंड समझ जाइए कि मिलना चाहिए वो डिक्की के माध्यम से वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित और बैंक से भी उनकी कंसल्ट है। तो हम लोगों के लिए एक दलित वर्ग के लिए बहुत अच्छा सुविधा था यह कार्यक्रम कराने को। जो भी डिक्की के मतलब कार्यकर्ता यहाँ पे जो लोग थे उनका हम बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और हम लोग भी सभी लोग को मिलकर ही यह कार्यक्रम किया गया और आए दिन भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजन हो यही हम लोग चाहते हैं।